राजस्थान के बारां कवाई एमबी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रा ने हाल ही में 12वीं कला बोर्ड में 96.80% अंक प्राप्त कर राजस्थान में सातवां और कोटा संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त कर समाज और क्षेत्र के साथ साथ अपने स्वर्गीय पिता परिजनों और गुरुजनों का नाम रोशन कर बालिकाओं के लिए एक मिसाल कायम कर छात्र छात्राओं के लिए एक मैसेज दिया है कि हम चाहें तो कोई भी वह काम मुश्किल नहीं है जिसे हम नहीं चाहते हैं। हर काम आसान हो सकता है। तन और मन से मेहनत और लगन के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो इसी हौसले और जज्बे को लेकर अटरू तहसील क्षेत्र की सिंधनी निवासी प्रतिभा सिंह सिरोहिया, सुपुत्री श्री रघुवीर सिंह और सुपुत्री स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह सिरोहिया हाल निवासी कवाई सालपुरा ने एमबी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हर मुश्किल को आसान बना दिया और राजस्थान में अपने स्कूल को अव्वल दर्जा दिला दिया। कस्बे के निजी विद्यालय एमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्रतिभा सिंह 12वीं बोर्ड कला वर्ग में 96.80% अंक प्राप्त कर 12 जिले और कोटा संभाग में टॉपर रही। तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपने 96.80% जो नंबर प्राप्त करके जो आपने समाज का, स्कूल का और क्षेत्र का जो नाम रोशन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी छात्र छात्राओं को? मेरा यही संदेश है कि सभी पढ़ाई लिखाई करके अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपने जो 90.6 जो नंबर आपने जो प्राप्त किए है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? आपने कितनी मेहनत की है, किस तरीके से मेहनत करी है आपने? मैं नियमित रूप से 6-7 घंटे पढ़ती थी और मेरे विद्यालय वालों का, सभी गुरुजनों का, परिवार वालों का, सभी का सपोर्ट रहा, इसीलिए 96.80% मैंने हासिल किया। और भी इसके अलावा जैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा ध्यान मैंने सेल्फ स्टडी पे दिया है। हम प्रतिवर्ष तहसील या जिले में टॉपर होते हैं और इस वर्ष भी हम हमारे विद्यालय की आर्ट्स की बालिकाओं ने, 6 बालिकाओं ने 90+ मार्क्स प्राप्त किए और हम जिले में 96.80 अंक ला करके प्रतिभा सिंह जिले में टॉपर रही है। और इसी प्रकार साइंस का भी इस वर्ष हमारा रिजल्ट 100% रहा है, पूरे बच्चे विज्ञान वर्ग में पास हुए हैं। और हमारी मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों को, उनका उज्जवल में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।